हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दलबीर सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन। या दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है। एक्चुअल में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है ना, वो सार्क की यूनिवर्सिटी है। सार्क के अंदर 7 कंट्री आते हैं, जैसा आपको पता होगा। नहीं भी पता तो फिर भी मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा, और इसके अंदर जब स्लाइड के अंदर स्क्रीन के ऊपर बताएंगे लैपटॉप के ऊपर, तो वो सारा का सारा आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पीएचडी की काफी सारी पोस्ट आई हुई है। और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी क्योंकि सारक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 7 कंट्रीज के यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। यहाँ पे सारा इंटरनेशनल लेवल का मामला है, परंतु इसका जो कैंपस है ना, कई हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिसको कैंपस के बारे में नहीं पता होगा कि इसका कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है। इसका साउथ दिल्ली के अंदर इसका कैंपस लोकेटेड है दोस्तों। और यहाँ पे मतलब कुछ अभी भी पर्टिकुलरली जेएनयू के कुछ मतलब बिल्डिंग्स को ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यूज कर रही है। और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहें या फिर इसको सारक की यूनिवर्सिटी कहें, दोनों ही बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो इस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर आप 31 मार्च 2023 तक पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद सुनहरा मौका है। सबसे पहली बात तो ये पीएचडी आपकी 7 देश यानी कि सार्क के जितने कंट्री है उनके अंदर तो इसकी मान्यता है ही। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं भी चले जाएं, क्योंकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, इसका बहुत ही अच्छा कैंपस मैरोली के अंदर स्थापित किया गया है, और ये लगभग 600 एकड़ में बनाई गई है। और क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो 7 देशों की कंट्री मिलकर कर रही है, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है वो आपका डिफरेंट रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, उसमें उसके बारे में बाकी और भी चीजें आपको बताएंगे कि हॉस्टल आपको किस प्रकार का मिलेगा। और यदि आप इंडिया से बाहर से हैं, निश्चित तौर से यदि आप इंडिया से बाहर से हैं, जैसे कि बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, श्रीलंका से हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करेंगे, किस देश का कितना यहाँ पे कोटा है, मतलब कितने परसेंट कैंडिडेट्स का वहां पे एडमिशन होगा, उस सारे बारे में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप जरूर पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको ये लगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना होगा तो हमें इसकी एक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी वेबसाइट का नाम है SAU.INT। थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, SAU.INT। चलिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको डालते हैं और आपको पूरा यूआरएल बताते हैं और पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मैं अपनी मैकबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका यूआरएल क्या है। यूआरएल देखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसका यूआरएल थोड़ा सा डिफरेंट है, और यदि मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊँ तो इस प्रकार से इसका यूआरएल है, यानी कि https और उसके बाद में आप देखोगे तो web.sau.int। अब इसका फुल फॉर्म क्या बनता है ये तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ये इस प्रकार से क्यों है। परंतु जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है इसका यूआरएल पे आप जाएंगे तो यही है बस, क्योंकि हम होम पेज पे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा WEB वेब, उसके बाद में SAU.INT। इस प्रकार से साउथ एशियन कंट्री का ये एक यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होम बटन है, ये एक लोगो दे रखा है, इस प्रकार से छल्ले से बना रखे हैं 4 साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाई द सार्क नेशन, सार्क के अंदर 7 कंट्री हैं और उन सब के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं, इसका कैंपस दिखाया गया है, यहाँ पे वाइस चांसलर के साथ स्टूडेंट्स कुछ फोटो है। इस प्रकार से इसका कैंपस बनाया गया है जो कि काफ़ी ग्रीन है, और इस कैंपस के अंदर यदि आप देखोगे तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो चीज़ दिखा रखी है कि इसका मतलब ग्रीन एनर्जी के प्रति काफ़ी रुझान है। ये सब हैं, कुछ फोटोग्राफ और हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे होम बटन पे यदि हम जाएंगे तो कुछ इवेंट मिलेंगे, कुछ अनाउंसमेंट आपको मिलेंगे। अनाउंसमेंट में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रिवाइज टीचिंग शेड्यूल भी दे रखा है, रजिस्ट्रेशन शेड्यूल दे रखा है कंटिन्यूस स्टूडेंट्स का, और ये दे रखा है आपका पीएचडी के लिए भी, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर मास्टर डिग्री के लिए भी बता रखा है। ये 27 दिसंबर 2022 है। इसके बाद में बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अबाउट SAU यानी कि अबाउट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू जरूर देखना चाहिए। ओवरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आइडिया है जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। 13th सार्क समिट हुई थी ढाका के अंदर 2005 में, उस समय पर आइडिया दिया गया था। और जब ये आइडिया दिया गया तो 4 अप्रैल 2007 को
14 सार्क समिट जो दिल्ली के अंदर हुई थी उसके अंदर इसकी रूपरेखा हुई और इसके साइन हो गए थे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये प्रोजेक्ट है जो हमारे सामने आया था 2008 में आया था और प्रोफेसर थे जी के चड्ढा, फॉर्मर वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर थे, वो अपॉइंटेड हुए थे, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके बने थे और सार्क स्टेयरिंग कमेटी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर वगैरह कर दिए थे। अब इसका जो कैंपस है वो कहाँ पे है, इसका कैंपस है 100 एकड़ प्लॉट इसका मैदान घड़ी के अंदर मैरोली साउथ दिल्ली के अंदर है, जो 26 मई 2008 को इसका दे दिया गया था। इसका कैंपस कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू स्टार्ट 2014 के अंदर तक, मतलब इसका ड्यू था, तो अब इसका कैंपस लगभग तैयार हो गया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आप देखोगे टेम्परेरी कैंपस जो यूनिवर्सिटी है वो जवाहरलाल नेहरू का ही है। कैंपस वाज सब्सिक्वेंटली रिलोकेटेड 2011 में टू अकबर भवन चैनकपुरी साउथ दिल्ली के अंदर और 2016 और 17 का इसका रेजिडेंशियल कैंपस अपना बन के तैयार हो गया है। बाकी और चीज़ें आप देखोगे तो इसके अंदर 12 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इसके साइंस के हैं, नॉन साइंस फैकल्टी भी इसके अंदर है, इसके लगभग 7000 स्टूडेंट हैं, 700 इसके अंदर टीचर भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ यहाँ पे हैं और ये इंटरनेशनल यानी कि साउथ के मतलब सातों सात मतलब सात ये कहें कि एशियन कंट्री हैं सार्क के साथ, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाकी अबाउट में आप विजन को देख सकते हैं, विजन इसका दिखाई देगा, विजन मतलब एकेडमिक इसका विजन है। इसकी डिग्री के बारे में बात है, ये दो प्रकार की डिग्री प्रोवाइड करती है, एक डिग्री इसकी मास्टर डिग्री है, दूसरी डिग्री इसकी पीएचडी डिग्री है। तो ये इस प्रकार से है यहाँ पे। बाकी अदर में आप देखोगे तो की यूनिवर्सिटी फंक्शनरीज इसके अंदर है, पास्ट प्रेजिडेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, परंतु यहाँ पे एडमिशन के ऊपर आप जाओगे तो आपको कई और चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जैसे एडमिशन नोटिस 2023 का है, पीएचडी प्रोग्राम है, कंट्री वाइज कोटा वगैरह है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एकेडमिक के बारे में है और ये यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिखाई देने को मिलेंगे, जैसे फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशोलॉजी है, ये कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देने को मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता रखा है जैसे पीएचडी का नोटिफिकेशन है, एकेडमिक कैलेंडर है, लाइब्रेरी वगैरह है और इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे बता रखा है, परंतु इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स लाइफ किस प्रकार से गुजारेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ पे बात है कि इंपॉर्टेंट हॉस्टल है, यहाँ पे 6 अलग अलग बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे इस प्रकार की फैसिलिटी मतलब रहने की फैसिलिटी, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी भी यहाँ पे है और नोटिफिकेशन के अंदर कुछ की डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करोगे तो फिलहाल किसी प्रकार की जॉब रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको खोल के पहले ही देख लिया है, करंटली नो पोजीशन अवेलेबल। रिसर्च पोजीशन की आप बात करेंगे तो भी कोई भी पोजीशन नहीं है, मीडिया कवरेज देख सकते हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, यानी कि इस फील्ड में रिसर्च यहाँ पे होती है। पीपल्स के बारे में आप देखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम जाते हैं एडमिशन में दोबारा, एडमिशन नोटिस को एक बार क्लिक कर लेते हैं। एडमिशन नोटिस 2023 को आप क्लिक करोगे तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, वही आपको पता चलेगा यहाँ पे सार्क कंट्री हैं, उन सबका कोऑपरेशन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके अंदर शामिल हैं। 100 एकड़ इसका कैंपस है, मैदान घड़ी वही मैरोली के अंदर, इसके बाद जो है साउथ दिल्ली के अंदर इसका कैंपस लोकेटेड है। सब्जेक्ट इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। बाकी इसके अंदर बात बताई गई है कि लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 31 मार्च 2023 है और रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 29 और 30 अप्रैल को होगा, परंतु यहाँ पर एडमिशन नॉन सार्क कंट्री के कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को भी मिलता है, उनके लिए किसी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे नहीं है, ये बात आपको देखने को मिलेगी। कंट्री वाइज यहाँ पे कोटा देख लेते हैं, कंट्री वाइज कोटा आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, नॉट मोर देन 50% स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड फ्रॉम द होस्ट कंट्री इंडिया, भारत से यानी कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं परंतु 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। बाकी इसके अंदर कोटा है, 4% कोटा अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका का है, 10% कोटा पाकिस्तान और बांग्लादेश का यहाँ पे दिया गया है, 10% सीट यहाँ पे एलोकेटेड की गई है आउटसाइड सार्क रीजन, मतलब सार्क से बाहर के जो कंट्री हैं उनको 10% सीट यहाँ पे एलोकेटेड की गई हैं। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी कंट्री वाइज, कंपटीशन विल बी ओनली बी अमंगस्ट कैंडिडेट विद ईच कंट्री, प्रत्येक कंट्री में अलग अलग इस प्रकार से कंपटीशन होगा। इफ द सीट एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर कंट्री नॉट फिल, दे विल बी एलोकेटेड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर कंट्री एज पर SAU रूल, यदि उस कंट्री के द्वारा भरी नहीं जाती तो दूसरे मतलब उनको कैंडिडेट्स को दूसरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीट ऑफर कर दी जाएंगी SAU रूल के अनुसार।
यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है 31 मार्च 2023 है। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के अप्रीशिप के, तो उनको डॉलर में पेमेंट करनी होगी 4500 पर सेमेस्टर और पूरे साल के $9000 यहाँ पे देने होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे फीस बताई गई है। यहाँ पे उसके बाद में कंट्री वाइज कोटा के बाद में जनरल एलिजिबिलिटी देख सकते हैं हम। एलिजिबिलिटी के अंदर एक मोटे तौर पर एक ही बात है कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पैटर्न आपका होगा। यदि आपने 10 जमा 2 जमा 2 का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि 10 जमा 2 जमा 3 का पैटर्न यहाँ पे होगा तभी आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद में पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे की हो, जैसे MA MSc MCA वगैरह ये सब की हो, 50% आपके मार्क्स हों और मिनिमम 55% इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ एडमिशन फॉर द साइंस सब्जेक्ट के लिए आपके 55% हों और मिनिमम 50% आपके मार्क्स हों, बाकी अदर जैसे नॉन साइंस के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपका होना चाहिए। उसके बाद में कुछ और भी बात बता रखी हैं, जैसे एडमिशन प्रोवाइड एट लीस्ट 5 ईयर, 5 साल का कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन लीडिंग प्रोग्राम मास्टर डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग 12वीं क्लास पास करने के बाद कम से कम 5 साल आपने लगाए हों एजुकेशन में तभी आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम बनेगा। उसके बाद में लास्ट डेट बता रखी है कि लास्ट डेट आपकी 31 मार्च होगी। उसके बाद बता रखा है कि यहाँ पे सीट्स के बारे में बात है, इफ़ द रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर एंड देयर मार्कशीट आर नॉट अवेलेबल एट लीस्ट 26 जुलाई 2023 विच इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कैन बी एक्सटेंड, तो फिर 14 अगस्त 2023 तक ये बढ़ा दी जा सकती है यदि रिजल्ट वगैरह नहीं आता है। तो फर्दर प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री पे क्लिक कर सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम पे यदि क्लिक करूँ तो पीएचडी प्रोग्राम में मास्टर डिग्री को स्किप करके सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बता रखा है थ्रू द डायरेक्ट एडमिशन और थ्रू द इंटर्न टेस्ट, दोनों तरीके से यहाँ पे बता रखा है। डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार का होगा, इफ दिस मोड सर्टन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट विल बी एग्जामटेड, कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो एग्जामटेड हो जाएंगे। दे विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CV SOP और रिसर्च प्रपोजल और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। ये बात याद रखिए कि आपका यदि डायरेक्ट मोड से एडमिशन होता है तो वो CV बेस पे होगा, SOP पे होगा, रिसर्च प्रपोजल या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पे यहाँ पे होगा। दोज हु हैव बीन ऑलरेडी अवार्डेड नेशनल फेलोशिप इन द डिफरेंट SAARC कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशनल इंट्रेंस टेस्ट, मतलब किसी भी देश के अंदर कोई भी अवार्ड या फेलोशिप कैंडिडेट ले रहा है पर्टिकुलरली उस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में जो मतलब उस देश के अंदर लागू होती है तो इंट्रेंस टेस्ट से बच जाता है और यहाँ पे उसका एडमिशन हो जाता है। दोज हु आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी टू परस्यू पीएचडी के लिए किसी प्रकार का फंड उसको मिल रहा हो, दोज हु आर सैलरीड जो सैलरीड हो और जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लीव मिल गई हो 2 साल की रेजिडेंशियल पीरियड के लिए, तो इस प्रकार से डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। हॉस्टल रिकमेंडेशन यहाँ पे मिल जाएगा वगैरह वगैरह बता रखा है। थ्रू द इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार होगा, जिन्होंने 50% मार्क्स यहाँ पे ले रखे हैं इंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और वो एलिजिबल हैं या नहीं है उस बारे में बता होगा। तो यहाँ पे एक बात और बता रखी है कि उन कैंडिडेट को 25,000 पर मंथ की एक स्कॉलरशिप दी जाएगी जो कैंडिडेट इंट्रेंस टेस्ट को पास कर देते हैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की बता रखी है और इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा बता रखी है कि नंबर ऑफ सीट किस प्रकार हैं, ये दे रखे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे ये 7 सब्जेक्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी, इनके अंदर डायरेक्ट एडमिशन आपके इस प्रकार हैं और इंट्रेंस टेस्ट से आपके इस प्रकार से सीट आपको मिलेंगी, ये सीट आप यहाँ पे दे रखी हैं। टोटल सीट की बात आप करेंगे तो यहाँ पे यदि 7 हैं तो 642 यानी कि 42 सीट तो यहाँ पे हो गए इंट्रेंस टेस्ट से, और यहाँ पे आप देखोगे तो 30 सीट हैं यहाँ पे आपके डायरेक्ट मोड से और दोनों मिला के 72 सीट यहाँ पे हो जाती है, तो 72 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं पीएचडी की। अब ट्रैवल सब्सिडी कैंडिडेट फॉर कॉल्ड द इंटरव्यू के बारे में बात की गई है, कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनको एक ट्रैवल सब्सिडी मिलेगी जिसमें 5,000 मैक्सिमम है, ये अच्छी बात है। इफ द कैंडिडेट आउटसाइड ऑफ इंडिया आर अनेबल टू ट्रेवल टू न्यू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू दे कैन सीक द परमिशन फॉर द इंटरव्यू थ्रू स्काइप, तो उनका स्काइप के थ्रू भी इंटरव्यू हो सकता है। कैंडिडेट शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी से पहले उनको कुछ जान लेना चाहिए कि पीएचडी प्रोग्राम 5 साल का है, इसमें क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर मतलब डिपेंड करेगा मैक्सिमम 16 होंगे और कोर्स वर्क आपका 14 का होगा, टर्म पेपर आपके 2 क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह के होंगे। कैंडिडेट CGPA 5 और लेट लेस देन 6.5 कैन ऑप्ट फॉर द MPhil प्रोग्राम,
वो एमफिल प्रोग्राम के लिए जा सकता है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें बता रखी हैं। ज़्यादा आप देखना चाहें तो इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस, डेट और टेस्ट ऑफ द सेंटर, ये डेट बता रखी हैं। ये सार्क रीजन के अंदर बता रखा है कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट साइमेंटेनसली थ्रू आउट द सार्क रीजन, मतलब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग यहाँ पे सेंटर होंगे 29-30 अप्रैल 2023 को शेड्यूल के अनुसार। शेड्यूल है जो एंट्रेंस टेस्ट का वो इस प्रकार दे रखा है, अलग अलग देश के अनुसार अलग अलग देश में। अफगानिस्तान में किस प्रकार है, 8:30 से जैसे देखोगे तो 10:30 बजे तक, पाकिस्तान मालदीव के अंदर 9 से 11 बजे तक, श्रीलंका के अंदर 9:30 से 11, नेपाल के अंदर और भूटान के अंदर और इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम दे रखा है। मॉर्निंग आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन बता रखे हैं। इंट्रेंस सेंटर किस प्रकार हैं वो भी यहाँ पे बता रखे हैं। इंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द फ्लोइंग टेस्ट सेंटर अबो मेंशन शेड्यूल में, वो आपके हैं टेस्ट सेंटर इंडिया के अंदर, ये दे रखे हैं। बहुत सारे सेंटर यहाँ पे हैं, चंडीगढ़ भी इसके अंदर है, दिल्ली तो है ही, फिर गोवा, यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो बड़े शहर इसके अंदर शामिल हैं। टेस्ट सेंटर जो दूसरे शहरों के अंदर हैं, काबुल के अंदर है, बांग्लादेश में देखो चितागोंग और ढाका के अंदर, थिम्पू और कंगलुंग के अंदर, मालदीव के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर, यहाँ पे कई सारी जगह पे आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों यदि आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको ट्यूशन और अदर फीस के बारे में यहाँ पे पता चलेगा, जो कि ट्यूशन फीस और फीस इस प्रकार से दे रखी है। स्टूडेंट्स वीज़ा की बात है कि स्टूडेंट्स को वीज़ा किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे हॉस्टल और मेडिकल फैसिलिटी की बात बता रखी है कि 400 यूनिट हैं, 6 टावर हैं, 6 डिफरेंट टावर की बात यहाँ पे बता रखी है कि जो हॉस्टल के 6 डिफरेंट टावर इधर उपलब्ध हैं। फिर स्कॉलरशिप फाइनेंस है, कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट आप करना चाहें तो ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट है, फ़ोन नंबर दे रखा है, ईमेल दे रखी है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए बात बता रखी है वगैरह वगैरह यहाँ पे बात हैं। फिर है अप्लाई नाउ, आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, फोटो आईडी, सार्क नेशनल अप्लाइंग पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो आईडी, उसी के साथ में आपको नीचे कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे नेशनल फेलोशिप ऑफर लेटर यदि आपके पास है, फॉर्मेट ऑफ एनओसी आपके पास है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में स्टार्ट योर एप्लीकेशन है, इस डॉक्यूमेंट शुड बी मैक्सिमम 100 KB तक आपका होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट सब की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, फोटो आईडी जो गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्ट सीवी ऑप्शनल यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद में स्टार्ट योर एप्लीकेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या न्यू यूज़र हैं, न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर आपको करना होगा कि क्या आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा कि आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे मैं पीएचडी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर आपको डायरेक्ट मोड से एडमिशन लेना है या एंट्रेंस टेस्ट से, तो मैं एंट्रेंस टेस्ट जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूछता है कि दिस कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट वेबसाइट में भी इम्पर्सोनेट, तो गो ओके हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे आ जाए और ये दिखाने लग जाता है, जैसे मेरा मैकबुक दिखा रहा था कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो मैं विजिट द वेबसाइट यहाँ पे कर दूंगा, विजिट वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस साइट के ऊपर कोई खतरा नहीं है। अब खतरा नहीं है तो यहाँ पे ना आपकी एक है यूज़र आईडी, पासवर्ड, इंटर सिक्योरिटी कोड, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, परंतु हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना होगा नोटिस बोर्ड को चेक। अब नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रखी है, और फिर हमें यहाँ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पे डेट ऑफ बर्थ आता है, ईमेल आता है, कंफर्म ईमेल आईडी, कंट्री पूछता है कि कौन कौन सा देश आपका है, पूरे देशों की लिस्ट यहाँ पे मिलेगी, नेशनलिटी यहाँ पे मिलेगी, और फिर उसके बाद में आपका ये कोड मिलेगा, सिक्योरिटी कोड को क्लिक करके आप रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, परंतु हमारा इस पे काम नहीं, तो मैं बजाता हूँ बैक, और बैक जाने के बाद फिर यहाँ पे एकेडमिक की बात है, एकेडमिक इस बारे में, स्टूडेंट लाइफ है, रिक्रूटमेंट है, मीडिया रिसर्च और पीपल है, ये दोस्तों दे रखी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में भी आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसी के साथ में टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन देखिए आपने SAU यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे PhD की फिलहाल पे पोस्ट है, यहाँ पे एकेडमिक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट भी निकलती है। इसके बारे में नई अपडेट और क्या आएगी इसके बारे में बात करेंगे, किस सन में ये स्टेब्लिश हुई थी ये सब आपने जान लिया, सारा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आपने देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पसंद आया होगा। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।